क्या हरीश वाकई मारा जा चुका था या उसके गायब होने के पीछे कुछ और ही वजह थी? क्या रुपेश और मनीषा के बीच सच में कोई संबंध था? क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट इस केस में सच को सामने ला पाएगा? रवि, जितना जल्दी हो सकता है मुझे 444-5689 इस नंबर की डिटेल्स निकाल कर दो। जो भी बंदा हरीश का ये फोन यूज कर रहा है उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। इस नंबर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर शर्मा, लाई डिटेक्टर टेस्ट की रीडिंग मुझे मिल गई है। मुझे 2 दिन लगेगा सारे रीडिंग के टेस्ट करके एनालिसिस करने के लिए, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। मुकेश जी प्लीज, जितना जल्दी हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर हमें टेस्ट में कुछ भी मिलता है तो हमारे लिए रुपेश और मनीषा को तोड़ना आसान हो जाएगा। ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, दोनों बहुत शातिर हैं। आप मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में रिपोर्ट आपके सामने होगी। सर 444-5689 नंबर की डिटेल्स कल शाम तक मिल जाएगी। पूजा, ये 444-5689 ये नंबर हरीश और रुपेश के कॉल रिकॉर्ड में कहीं नजर नहीं आ रहा। सर मुझे एक बात काफी अजीब लग रही है, जिसके पास भी हरीश का ये फोन था उसने इतने दिनों तक फोन संभाल के रखा, अब जाके इसमें सिम डाला है, क्यों? एक बार इसके कॉल रिकॉर्ड्स आ जाए फिर पता चलेगा कि रुपेश और मनीषा क्या गेम खेल। क्या हो रुपेश, लाई डिटेक्टर टेस्ट में पुलिस ने क्या पूछा? वही जो कस्टडी में पूछ रहे थे, इस बार नया ये था कि कुछ तार वार लगाए थे उन लोगों ने। तो फिर सच पता चल जाता है क्या? पता नहीं, कह तो रहे थे। यार मैं तो शुरू से ही सच बोलता आ रहा हूँ, जो वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है। रीना, मनीषा कैसी है? कुछ टेंशन में, कुछ सोच में, ऐसा कुछ दिखा क्या? नहीं, शक्ल से तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं उसे मंदिर ले गई थी, भगवान की कसम दिलवाकर मैंने उससे पूछा कि रूपेश और उसके बीच में कुछ है क्या, पर तब भी उसने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मनीषा भी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बार भी कहीं से दुखी नहीं नजर आ रही। वही तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनके बीच कब हुआ है, क्या हुआ है, और मनीषा कुछ बोल भी तो नहीं रही। इंस्पेक्टर ने बताया कि इन दोनों से बहुत अलग अलग तरीकों से पूछताछ की है, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार ही नहीं है कि इनका कोई अफेयर है या इन्होंने हरीश भैया के साथ कुछ किया है। सुमित, तुझे पता है पुलिस की खबर इस बारे में भी पता करने की कोशिश में है कि तेरा और हरीश का कोई झगड़ा था क्या, प्रॉपर्टी या किसी बात को लेकर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कुछ मिलेगा, पर वो लोग ये एंगल भी देख रहे हैं। मनीषा को सजा होनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मनीषा बताए तो सही कि उस दिन हरीश से कौन मिलने आया और कहाँ है वो, क्या हुआ उसके साथ? सुमित, कुछ भी हो जाए तू और अंकल इस केस में बिल्कुल ढील मत देना, वरना वो रुपेश और मनीषा दोनों साफ साफ बच निकलेंगे। जब तक मैं अपने बेटे के बारे में पता ना लगा लूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अमित, मनीषा तो कसूरवार है ही, पर तुम भी कम कसूरवार नहीं हो। अंकल, मनीषा कितनी बार कह चुकी है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो सच बोल रही है, तभी तो वो पुलिस वाला टेस्ट करवाने के लिए उसने खुद ही हाँ कहा था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। मनीषा का उस रुपेश के साथ या किसी और के साथ क्या चल रहा था तुम लोगों को बताना चाहिए था। अंकल, मनीषा और रुपेश के बीच कुछ नहीं चल रहा है, ये पुलिस की बनाई हुई बात है। वो हरीश को ढूंढ नहीं पा रही और आप बार बार मनीषा पर उंगली उठा रहे हो, इसलिए वो उसका फायदा उठा रही है। अंकल आप ही सोचिए ना, वो ऐसा क्यों करेगी? बस 23 साल की है और इतनी शातिर है कि उसने हरीश को गायब कर दिया और आज तक किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि हरीश कहाँ पर है। अंकल देखिए, आप भी एक बार सोचिए, क्या हरीश के पास ऐसी कोई वजह थी ऐसे चले जाने की? आपने ऐसे ही मनीषा पे इल्जाम लगा दिया। हरीश के वो जो दोनों दोस्त है, योगेश और वो अर्शद, आपने उन लोगों के बारे में पुलिस को बताया कि जाके वहां भी सच ढूंढे? देखिए अंकल, आपकी तरह हम भी सच जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि हरीश के साथ ऐसा क्या हुआ, कहाँ गया वो। तेरा हीरो का है हरीश, वो भी आने वाला था ना साथ में? आए ना, वो रास्ते में उनका कोई दोस्त मिल गया था तो बोले कि 10-15 मिनट बाद उससे मिलकर आएंगे।
दोपहर में भी मैंने फोन किया था, उस समय भी फोन बंद था। कोई काम में अटक गया होगा। चल मनीषा, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। अच्छा कंचन, ये बात अजीब है मगर सच है। हरीश के गायब होने के बाद से आज तक मैंने मनीषा के चेहरे पर कभी भी कोई दुख या परेशानी नहीं देखी। अमित, अब आप भी मनीषा पर? नहीं नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर तुम ही सोचो, तुम्हें बात अजीब नहीं लगती कि हरीश के वापस ना आने से मनीषा को जरा भी दुख नहीं हुआ, जरा भी फर्क नहीं पड़ा? दो दिन बाद क्राइम ब्रांच को उस आदमी की जानकारी मिली जो हरीश का फोन इस्तेमाल कर रहा था। समीर चंद्रा, रुद्र विहार का एड्रेस है। रुद्र विहार? सर ये तो मूर्तिगंज के पास है जहाँ पर हरीश का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हरीश की लास्ट लोकेशन मूर्तिगंज है। देखते हैं कि समीर चंद्रा वाकई में कोई है या ये भी कोई झूठ। और उसी दौरान लाई डिटेक्टर टेस्ट के परिणाम भी सामने आए। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ मुकेश जी, क्या मिला टेस्ट में? आपने उन दोनों को जो भी सवाल पूछे उनके जवाब के रिस्पॉन्स ग्राफ बहुत बारीकी से हमने चेक किया है। उन दोनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। क्या? उन्होंने किसी भी सवाल के जवाब में झूठ नहीं बोला? नहीं। ये सवाल हमने उन दोनों से पूछा था कि उनका अफेयर है। तुम मनीषा से प्यार करते हो? तुम रुपेश से प्यार करती हो? इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं दोनों के पैरामीटर में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। उनके पैरामीटर से तो यही पता चल रहा है कि किसी भी सवाल का जवाब देने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, तब भी नहीं जब आप लोगों ने उन्हें पूछा कि उन्होंने हरीश को मारा है। रुपेश क्या ये सच है, तुमने हरीश को मारा है? हरीश को कहाँ मारा? मैंने हरीश जी को नहीं मारा। यहाँ तक कि हरीश को मारने की प्लानिंग भी उन्होंने की थी, लेकिन इस सवाल पर भी उनका रिएक्शन नॉर्मल है, कोई घबराहट कोई टेंशन नहीं दिखी। तो बेसिकली लाई डिटेक्टर टेस्ट ये कहता है कि उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, कोई अफेयर नहीं, ना ही उन्होंने हरीश को गायब किया है और ना ही उन्होंने उसे मारा है। हाँ जी, कहिए। समीर चंद्र यहीं रहता है। आप लोग कौन? क्राइम ब्रांच। जी मैं ही समीर चंद्र हूँ, कहिए क्या काम है? तूने फोन क्यों काटा? हेलो कौन बोल रहा है? आप बताओ आप कौन बोल रहे हो? मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये फोन जिससे तुम अभी बात कर रहे हो हरीश राठौर के नाम का है। सब मैं कुछ समझा नहीं। मैंने फोन किया था तुझे और जब पूछा कि हरीश का फोन तेरे पास कैसे आया तूने फोन काट दिया। अब तू हरीश का फोन खुद से हमें देगा या हम हमारे तरीके से तेरे घर में ढूंढे? हाँ ये हरीश भैया का ही फोन है, लेकिन आपके पास कहाँ से आया? ये फोन हमें समीर चंद्र नाम के एक आदमी के पास से मिला है, किसी फैक्ट्री में ड्रिल ऑपरेटर है। मैम लेकिन उस आदमी के पास हरीश भैया का फोन कहाँ से आया? पूछताछ शुरू की है, जल्दी पता चल जाएगा। बलराम जी आपने समीर चंद्रा का नाम कभी नहीं सुना? नहीं, पर आप ये कैसे कह रहे हैं कि मनीषा सब सच बोल रही है? ये कैसा लाई डिटेक्टर टेस्ट है आपका? देखिए बलराम जी, जरूरी नहीं कि टेस्ट में जो आए वो सही हो, लेकिन ये भी सच है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से मनीषा और रुपेश दोनों झूठ नहीं बोल रहे। हम इस समीर चंद्रा से पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है इसका हरीश के गायब होने में कोई हाथ हो। मनीषा झूठ बोल रही है, बहुत चालाक है वो। जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ उसके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं था, जरा सा भी शिकन नहीं थी, जैसे उसका पति नहीं कोई ऐरा गहरा हो। साहब मैं समीर चंद्रा को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मनीषा ने मेरे बेटे को गायब किया। साहब मैं डर गया था, क्योंकि जैसे ही इस फोन में मैंने अपना सिम डाला तुरंत आपका फोन आया कि आप क्राइम ब्रांच से है और ये फोन मुझे कहाँ से मिला? समीर मुझे तेरे डर की नहीं, तेरे सच की कहानी बता। बोल ये फोन तेरे पास कहाँ से आया? साहब रास्ते में पड़ा मिला, पान वाले की दुकान के बगल में कूड़े के पास पड़ा था। मैं पान बनवा रहा था जब फोन पे मेरी नजर पड़ी। फोन उठाया और घर चला गया। तो बिना मार खाए नहीं बोलेगा ना? फोन रास्ते पे पड़ा हुआ मिला, तूने उठा लिया, बेवकूफ समझ रखा है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। सर तब से झूठी कहानी सुना। देख
इससे पहले कि हम तुझसे अपने तरीके से सच बुलवाएं, तो खुद ही बोल दे, तूने ही जबलपुर के रुपेश तिवारी के साथ मिलकर मारा ना हरीश राठौर को? मारा? मैंने किसको मारा साहब? और मैं जानता तक नहीं ये हरीश राठौर कौन है। अगर तू इतना ही मासूम है तो मेरा फोन क्यों कट किया और उसके बाद फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया? इतने दिनों बाद मोबाइल में सिम डाला और पहला ही फोन आपका आया तो मैं डर गया था साहब। साला ये क्या मामला है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। फंस तो चुका है, हरीश को गायब हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं। इतने दिनों से तेरे पास फोन था, तूने अब जाके चालू किया? साहब मैं गरीब आदमी, एक फैक्ट्री में ड्रिलिंग का काम करता हूँ, मैं क्या किसी को मारूंगा साहब? मैडम मेरे पति किसी को नहीं मार सकते, सच में उन्हें फोन पड़ा हुआ मिला था। अच्छा, रास्ते पे पड़ा मिला था, रास्ते में कोई चीज मिलेगी तो अपना समझ के रख लेगा, जिसका उसे देने की कोशिश नहीं करेगा वो। मैडम गलती हो गई, सीधे साधे लोग हैं हम, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि आपका फोन आने के बाद वो इतना डर गए थे कि फोन फेंकने वाले थे। मैंने सोचा कभी आप लोग मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं आपको सब सच बोल दूंगा, इसलिए फोन नहीं फेंका, अपने ही पास रखा। मैडम अगर उन्होंने मर्डर किया होता या कोई गलत काम किया होता तो हम लोग अब तक यहाँ रुकते, भाग गए होते। कपिल इसे छोड़ना मत, बिठा के रखो, पूरी हिस्ट्री निकालो इसकी, पैदा होने से लेकर अब तक की। 2.5 महीने फोन संभाल के रखा है इसने, पूरी पॉसिबिलिटी के हरीश के गायब होने में और उसके मर्डर में इसी का हाथ हो। हाँ मम्मी, अमित गए थे पुलिस स्टेशन, आकर बताया कि मनीषा और रुपेश सच बोल रहे थे। तो बेटा वो जो टेस्ट बोल रहे थे उसमें उनको? ज्यादा कुछ नहीं बताया मम्मी, बस इतना बताया कि उस टेस्ट में मनीषा के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। पर अभी भी ये नहीं पता चला है कि हरीश कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। बस बता रहे थे कि क्राइम ब्रांच वाले ने किसी आदमी को पकड़ा है जिसके पास हरीश का फोन मिला है, उसी से पूछताछ कर रहे हैं सब। नहीं, कभी नहीं मिला इसे और न कभी देखा। हम नहीं जानते सर समीर चंद्रा को, और ना कभी हरीश भैया के मुंह से इसका नाम सुना। अगर इसने हरीश को मारा तो क्यों मारा, क्या दुश्मनी थी मेरे बेटे से? बलराम जी इसने कुछ किया है या नहीं अभी कह नहीं सकते, फिलहाल इसके बारे में पूछताछ जारी है। सर हम हरीश के दोस्त अर्शद और योगेश को भी बुलाकर समीर की पहचान करवा रहे हैं। अर्शद और योगेश भी ये नहीं जानते कि समीर कौन है? नहीं सर। मजदूर आदमी है सब, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है समीर की, दूर दूर तक कोई हिस्ट्री शीटर से जान पहचान भी नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है कि उसे हरीश का फोन सड़क पे पड़ा हुआ मिला? ऐसा ही लग रहा सर, गरीब आदमी है, लालच में फोन रख लिया होगा। हमसे इस मामले में कहां चूक हो रही है, सारी मेहनत बेकार जा रही है। पहले ही रुपेश तिवारी वाला एंगल सामने आया, लगा केस क्रैक हो गया है, पर कुछ नहीं मिला। और ये समीर के मामले में भी सब कुछ डेड एंड पे जाके खत्म हो रहा है। मुझे नहीं लगा था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं होगा, पर अब भी मुझे यही लगता है कि मनीषा और रुपेश ने हरीश को मारा है, हम गलत नहीं थे सर। हमने उन्हें इतने सारे सवालों में उलझाया था फिर कैसे? कपिल अब उस पर एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं, हमें यह सोचना होगा कि कौन से तरीके से आगे बढ़ा जाए ताकि उनके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल सके, कोई सुराग मिल सके। हमें उन दोनों पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मर्डर के बाद का भी तो कोई प्लान होगा उनका। जाहिर है ये दोनों जितने शातिर हैं, इन्होंने सोचा ही होगा कि पुलिस आएगी छानबीन करेगी तो कुछ टाइम तक शांत रहना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। रुपेश तिवारी पर निगरानी अब भी जारी थी, उसकी हर गतिविधि पर क्राइम ब्रांच की नजर थी। रुपेश और मनीषा अब भी पार्क में लगातार मिल रहे थे। रुपेश और मनीषा पर अब निगरानी रखने का मकसद यह पता करना था कि अगर उन दोनों ने हरीश को मारा है तो कैसे और हरीश की लाश कहां थी। इसके साथ ही इंतजार था इस बात का कि वो कब और कैसे अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पर पार्क में रोज मिलने, हंसी मजाक करने के अलावा मनीषा और रुपेश में से कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। कितनी शांत और खुश लग रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। यस सर, इसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज तक के करियर में इतने शातिर क्रिमिनल्स को तोड़ा,
इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? सर, ताज्जुब की बात तो ये है कि बिना किसी कॉन्टैक्ट के, बिना किसी बातचीत के ये दोनों इतना बड़ा कांड कर कैसे पाए? वो भी इतनी सफाई से कि आज तक हमें हरीश का नामो निशान तक नहीं मिला। सर, मनीषा और रुपेश का मेल मिलाप अब भी जारी है, बल्कि मेल मिलाप के साथ साथ सैर सपाटा भी शुरू हो गया। कभी होटल, कभी नर्मदा में बोटिंग के लिए भी जाने लगे। इसके अलावा और कुछ पता चला? हरीश की बॉडी कहाँ दफनाई है या जलाई है? नहीं सर, मनीषा रुपेश का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, लेकिन रत्ती भर भी खबर नहीं लगी कि हरीश को कहाँ गायब किया, कैसे मारा, उसकी बॉडी को कहाँ और कैसे ठिकाने लगा। कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे कपिल? ये मनीषा और रुपेश के चक्कर में कोई और मोटिव, कोई और कल्प्रिट छूट तो नहीं रहा हमसे? नहीं, हमें चाय पानी कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं, इतना पूछना चाहते हैं मनीषा से कि आखिर हरीश की क्या गलती थी। बलराम जी, आप हमारे समधी हैं, इसलिए प्यार से और तमीज से बात कर रहा हूँ। सच आपके सामने है कि? सच सामने नहीं है अंकल, हमारे सामने सिर्फ हरीश भैया की अनसुलझी गुमशुदगी और कुछ नहीं। जिस गुमशुदगी का सारा बोझ मनीषा पर डाल दिया, हमारी बेटी को सबके सामने मुजरिम बना दिया, रुपेश के साथ मनीषा का नाम जोड़ दिया। पुलिस हजारों सवाल पूछ चुकी है मनीषा से, इस टेस्ट के लिए उसने खुद मंजूरी दी थी, जो सामना करना था वो कर चुकी है। अब कोई अग्नि परीक्षा बाकी नहीं है। अब भी आप यही पूछ रहे हैं कि हरीश की गलती क्या थी? घुमा फिरा के एक ही सवाल कि मनीषा ने हरीश के साथ क्या किया? मैं जानता हूं मैं हरीश से नहीं मिल पाऊंगा। मैंने मान लिया कि हरीश मर चुका है, लेकिन बेटा मैं इतना जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या। जी, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत की बातें, आप यहां से चले जाइए वरना। पापा, एक पापा जी, देवर जी, मेरे और हरीश जी के बीच कोई झगड़ा, कोई अनबन नहीं थी। इतना जान ही कहां पाए थे एक दूसरे को कि झगड़ा या अनबन होती। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर कह रही हूँ, मैंने नहीं देखा वो कौन दोस्त था जिसने हरीश जी को आवाज़ दी थी। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, जैसे आप लोग साजिश मानते। पापा जी, आपने उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। मैं तो आज भी चाहती हूँ पता चल जाए हरीश जी कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ है। पापा जी, मुझे ज़्यादा रोना नहीं आता, ज़्यादा दुख दिखाना भी नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता। मैं नहीं जानती हरीश जी के साथ क्या हुआ है, वो किस दोस्त के साथ गए थे। मैंने हरीश जी के साथ कुछ नहीं किया। साहब, हम चार दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, पर आप मिल ही नहीं रहे हैं। सर, आपने हरीश भैया को ढूंढना बंद कर दिया है क्या? हाँ बलराम जी, सुमित, ये सच है कि अभी हम दूसरे केसेस देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें हरीश के केस में छोटा सा भी सुराग मिला तो हम दोबारा पूरे जोर शोर से हरीश के केस पर वापस लग जाएंगे। हमने उसके दोस्तों से भी बात की, वो अर्शद और योगेश, उन दोनों से अलग अलग तरीके से बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई भी एंगल समझ में नहीं आ रहा। तो आप मनीषा और रुपेश को यूं ही छोड़ देंगे? साहब, मैं जानता हूं कि उन्होंने ही मिलकर मेरे हरीश क्या करें, शक के बिना पे गोली मार दे उनको। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी शक है कि रुपेश और मनीषा ने। जब आपको शक है तो आप उन्हें इस तरह ऐसे खुला क्यों छोड़ रहे? पकड़िए ना उनको। हम गए थे भाभी के घर पे, हमने देखा, जो कुछ भी बोल रही थी साफ साफ लग रहा था नाटक कर रही है। इतना सा भी दुख नहीं था उनके चेहरे पे। दुख पछतावा नहीं है, ये हमने भी देखा है, लेकिन ना तो ये कोई सबूत है, ना इसके बिना पर कोई केस बनता है। कार्रवाई करने के लिए सबूत चाहिए कि उन्होंने मारा है, कहां दफनाया है, कहां जलाया है, क्या किया हरीश की बॉडी के साथ। तो आपके कहने का मतलब है हम ये मान ले कि हरीश का कभी कुछ पता नहीं चलेगा, बस इतना मान ले कि वो चला गया और कभी वापस नहीं आएगा। वो तो क्या, उससे जुड़े हुए किसी सवाल का जवाब तक नहीं आएगा। देखिए बलराम, फिलहाल मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं दे सकता जिससे आपको तसल्ली। एक्चुअली मैं ना तो आपको जवाब दे सकता और ना खुद। हरीश मिसिंग केस में क्राइम ब्रांच भी कोई हल नहीं खोज पाई, कोई क्लोजर नहीं दे पाई। वो केस जो शायद लापता होने के साथ साथ हत्या का भी केस था। हरीश को गायब हुए महीनों सालों बीत गए, लेकिन हालात जैसे के तैसे बने रहे। हम हमेशा कहते हैं कि क्राइम नेवर पेज, पर क्या इस केस में ये धारणा गलत साबित होने वाली थी? हालात तो कुछ ऐसे ही दिख रहे थे, पर आखिरकार असली गुनहगार कौन था? कोई एक था या एक से ज्यादा लोग इस गुनाह में शामिल थे? पिछले चार सालों में हरीश के केस में कोई हरकत नहीं देखी गई, लेकिन अब 2018 में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इस केस की फाइल को दोबारा खोलने वाला था।
जो मुझे सच बता दे शूटआउट में तेरे साथ और कौन कौन था। देख मैं वादा करता हूँ तेरी बेल का इंतजाम करूंगा। खाली बेल नहीं साहब, आपको मुझे अंडरग्राउंड भी करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वो लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सर एक मिनट, सर वो हरीश सतर मिसिंग केस याद है आप? उसे कैसे भूल सकता हूँ, चार साल से एक आदमी गायब है, आज तक उसका पता नहीं चला। सर उसी केस के सिलसिले में जबलपुर से हमारे खबरी पंकज का फोन है। कुछ हुआ है क्या वहाँ? जी सर, हरीश की बीवी मनीषा घर छोड़ के भाग गई, पंकज लाइन पे। किसके साथ भागी मनीषा? सोच के देखो साहब, कौन हो सकता है? रुपेश तिवारी। जी साहब, साहब मनीषा दो रात पहले भागी है, कल रात से रुपेश भी गायब है। मनीषा की फैमिली बहुत परेशान थी, फिर जब रुपेश भी गायब हुआ तो उन्होंने रुपेश पर मनीषा की किडनैपिंग का केस कर दिया। रुपेश का फोन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मनीषा को लेके भाग गया है। भागा नहीं है तो कहाँ गया है वो? उसके पार्टनर अरविंद को भी नहीं पता है कहाँ है वो। तुम्हें पहले से ही पता था ना क्या चल रहा है? दो रात पहले मनीषा बिना बताए निकल गई, कल रात रुपेश निकल गया। अरे तुम्हारी बेटी है, तुम्हें नहीं पता है कि वो कहाँ गई है? तो इसमें मेरी और मेरे बेटे की गलती है। मेरा बेटा अपने काम से गया होगा और मैं नहीं मानती कि वो मनीषा को लेके भागा है। मनीषा और रुपेश की खबर मिलते ही भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम फौरन जबलपुर के लिए निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो जो केस बिना हल हुए चार सालों से फाइल में दबा हुआ था वो आखिरकार फिर खुलने जा रहा था। कपिल, ये वो केस है जो इतने सालों तक मुझे परेशान करता रहा, इसे मैं कभी भूल नहीं पाया। ये जानते हुए भी कि हरीश का मर्डर मनीषा और रुपेश ने किया है, हम इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाए। पापा, मम्मी, क्राइम ब्रांच से खबर आई है, मनीषा और रुपेश तिवारी जगलपुर से भाग गए। और उसके माँ बाप अब भी यही बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं। क्राइम ब्रांच की एक टीम गई है जबलपुर में, वो कह रहे कि मनीषा भाभी के घर वालों ने केस किया है रुपेश के खिलाफ किडनैपिंग का। ठीक है पापा, मनीषा ने कंचन दीदी को भी फोन नहीं किया। मनीषा सचमुच हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? उसने और रुपेश ने मिलके ही हरीश को मारा। रुपेश का फोन बंद है, हमने उसके फोन को सर्विलेंस पर डाल दिया, बाकी कल सुबह तक उसके फोन रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। मनीषा के पास तो फोन है नहीं, आपसे भी यही कहा होगा उसके माँ बाप? जी, मुझे लगता है कि मनीषा और रुपेश शायद इसी इंतजार में थे कि हरीश का केस ठंडा पड़ जाए, बंद हो जाए, ताकि ये लोग अपना अगला कदम उठा सकें। रुपेश, हमें किसी भी हाल में इन तक पहुँचना है, एक बार ये हमारे हाथ लग जाए तो इस बार इनसे सच बुलवाएंगे नहीं बल्कि हलक में हाथ डालकर निकालेंगे। अब तो पुलिस क्या, मैं भी यही कहूंगी कि मनीषा ने कुछ गलत किया हरीश के साथ। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, पहले हमें मनीषा और रुपेश को ढूंढना चाहिए। मैं तो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मनीषा ऐसा कुछ कर सकती है। अगर उसे हरीश से शादी नहीं करनी थी तो उसे पहले ही बोलना चाहिए था, पहले ही रुपेश के बारे में बता देती। मुझे लगता है मामला कुछ और है। क्या मामला हो सकता है आप ही बताइए, पहले मनीषा भाग जाती है, उसके अगले दिन रुपेश गायब हो जाता है, क्या मामला हो सकता है बताइए। इस केस ने कई झटके दिए थे और अब जो झटका लगने वाला था वो किसी की भी सोच से परे था। मनीषा घर से भागी, फिर रुपेश भी गायब हो गया और उसका फोन भी बंद हो गया। सबने फौरन दो और दो चार का फॉर्मूला लगाया और मान लिया कि दोनों साथ में भागे हैं, लेकिन यहां दो और दो चार नहीं बल्कि पांच साबित होने वाले थे। तूने मनीषा कहाँ है? मनीषा उत्तर दिमाग तो ठीक है, छोड़ मुझे, मुझे क्या पता मनीषा कहाँ पर है। देख रुपेश, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब सच सच बता कहाँ है मनीषा। मुझे नहीं पता मनीषा कहाँ पर है, चार दिन पहले भी तुम लोग यही सवाल पूछ रहे थे मुझसे, अरे मुझसे पूछ के भाग गया क्या वो? सर मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए इंदौर गया हुआ था, वहां पर भी एक ट्रेवल एजेंसी खोलने के बारे में बात करने के लिए, मेरा फोन पानी में गिर गया था इसीलिए बंद। आप चाहे तो फोन करके पता कर सकते हैं, फोन अभी भी बंद है। सर फोन तो क्या, मेरा तो सिम भी खराब हो गया, नए सिम के लिए कंपनी में रिक्वेस्ट दी हुई। रुपेश इस बार तेरा कोई झूठ नहीं चलेगा, समझा? या तो तू सच बोलेगा या फिर डंडे खाएगा। सर आपको डंडा मारना है, जो करना कीजिए, पर मैं फिर भी यही कहूंगा कि मनीषा मेरे साथ नहीं भागी। सर मनीषा और मेरे बीच में ना तो कभी कोई ऐसा रिश्ता था और ना ही। इतने साल बाद आप अभी भी इस बात पर क्यों अटके हुए? मनीषा और मैं बस अच्छे दोस्त हैं सर, और कुछ नहीं। मेरा दिमाग खराब है कि मैं मनीषा के साथ भागूंगा, पर हरीश के केस का फंदा अपने गले में डालूंगा। मनीषा कहाँ है? फिर वही बात, सर मुझे नहीं पता मनीषा कहाँ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बिना वजह हर बार मुझे क्यों घसीटे जा रहे हैं। तो मनीषा तेरे साथ नहीं भागी? नहीं सर, अगर मेरे साथ भागी होती तो मैं वापस क्यों आता?
आपके डंडे खाने के लिए? सर उस रुपेश का वापस आना उसकी एक चाल भी हो सकती है, आई मीन दोनों की। अगर चाल है भी कपिल, तो मनीषा को किसी भी हाल में ढूंढ निकालना होगा, पता करना होगा कि ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं। मनीषा के पिताजी का फोन आया था, वो घर वापस आ गई। What? हाँ, वो घर किसी आदमी के साथ वापस आई और कह रही है कि उसने उसे शादी कर ली। मनीषा ने किसी और के साथ शादी कर ली? हाँ, कोई उमेश भदौरिया नाम के आदमी से। नमस्ते मम्मी पापा, मैंने उमेश से शादी कर लिया, हमने परसों ही शादी की है। मैं आपको यहाँ सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अब मेरी शादी हो गई, अब मैं उमेश के साथ दमों में रहूंगी। मैं 2 साल पहले उमेश से ही जबलपुर में मिली थी, हम दोनों के बीच बातचीत थी, मुझे उमेश अच्छे लगने लगे और फिर मैंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। फैसला कर लिया? तू इतनी बड़ी हो गई कि फैसला करने लगी? हमें पूछने बताने की जरूरत नहीं समझी? मम्मी मैं हरीश जी के गायब होने, उनके मरने का बोझ अपने सर पर उठाते उठाते थक गई हूँ। मेरी भी एक जिंदगी है, मैं भी जीना चाहती हूँ, पर इस बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। और अगर मैं उमेश के बारे में बताती तो भी क्या होता, फिर से वही तमाशा शुरू होता। हरीश जी के घर वाले पुलिस के साथ यहाँ धरना देते और कहते देखा इसलिए इसने हरीश को मारा था। और मैं कब तक ऐसे पति ऐसे शादी के सहारे जीती जो 4 साल पहले ही चला गया, और उसके गायब होने की वजह से मुझे न जाने क्या क्या सहना पड़ा, हजारों सवालों के जवाब देने पड़े। पापा, भोपाल से क्राइम ब्रांच वाले आए, आपसे बात करना चाहे। एक मिनट, आज उनसे पापा नहीं मैं बात करूंगी। ये मेरी और उमेश की शादी का सर्टिफिकेट, हमने परसों मंदिर में शादी की और दमों में शादी को रजिस्टर करवाया। अब प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती। हो गई तसल्ली? अब आप प्लीज मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दीजिए। अगर अभी भी आपको ये लगता है कि मैंने हरीश जी के साथ कुछ किया तो जाइए, पहले उन्हें ढूंढ कर लाइए, उसके बाद इल्जाम लगाइए। आप लोगों को मेरे और उमेश के पीछे जितने लोग लगाने लगाइए, जो पता करवाना है पता करवाइए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। तुम उमेश से कब और कहाँ मिली? जब आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी का हर रिश्ता, हर फैसला, हर इंसान आपकी कार्रवाई के दायरे में नहीं आता। आपका काम हरीश जी का पता लगाना है, आप जाइए और उनका पता लगाइए। मैं उमेश के साथ दमो जा रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को यहाँ सिर्फ इतना बताने आई थी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, ताकि उन्होंने पुलिस में जो भी कंप्लेन दी हो वो वापस ले ले, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। चले उमेश। साहब, कहीं मनीषा ने रुपेश के बजाय उमेश के साथ मिलकर तो नहीं? बलराम जी, हम उमेश के बारे में पता लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि हरीश के साथ शादी करने से पहले मनीषा और उमेश एक दूसरे को जानते थे। यहां तक कि मनीषा के परिवार में भी कोई उमेश को नहीं जानता। सर, ये मनीषा बहुत शातिर है, पहले आपको रुपेश के साथ इतना सब कुछ मिला और अभी अचानक से उमेश आ गया। सर, उमेश का आना भी मनीषा की कोई प्लानिंग होगी, ये पक्का कोई खेल खेल रही है। सर सुमित, हम मनीषा की चाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। 4 साल बाद हमें लगा कि हरीश के केस में कुछ हाथ आया है, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो उसका कुछ अलग ही पैतरा सामने आया। आपने पहले भी तो पूछताछ की थी, तो कौन सा सच सामने आ गया? पता नहीं ऐसे ही लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी झूठ बोला और किसी की नजर के सामने ना आया। राम जी, सर कुछ ऐसा नहीं जिससे इनसे सच उगलवा लिया जाए कि इन्होंने हरीश भैया के साथ क्या किया है, क्यों किया है। सुमित, अभी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे, वो सब करेंगे जिससे हरीश का पता लग सके और सच बाहर आ सके। मनीषा की जिंदगी में एक नया किरदार आया, उमेश भदौरिया। इस उमेश भदौरिया की हर हरकत पर पुलिस की नजर थी, मनीषा पर भी नजर रखी जा रही थी। पुलिस को शक था कि मनीषा कोई खेल खेल रही थी, जिसमें रुपेश की भी बराबर की भूमिका थी।
क्या रुपेश तिवारी और उमेश भदौरिया के बीच कोई कड़ी थी? नहीं सर, फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता लगे कि रुपेश और उमेश का कोई कनेक्शन है। पूजा, क्या ये रुपेश, मनीषा और उमेश सच में कोई खेल खेल रहे, इतने शातिर, या फिर हम इनके पीछे पड़ के एक बंद अंधेरी गली में चक्कर काट रहे हैं? मैं इतना कह सकती हूँ कि हम गलत ट्रैक पर नहीं है। मनीषा ने हरीश को मारा है, हम पहले भी ये बात जानते थे और आज भी जानते हैं। बस एक बात समझ नहीं आ रही कि उनका सच सामने कैसे लाए। हमने उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया था जिसमें उन्होंने साफ झूठ बोला। एक बार ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया क्या, क्या पता उसमें कुछ सामने आ जाए। कपिल, तुम्हें लगता है जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इतनी आसानी से झूठ बोलकर निकल गए वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट में फंस जाएंगे? फंस भी सकते हैं। 4 साल से खेल खेल एक झूठ को जी रहे, क्या पता सच सामने आ ही जाए। सब पॉसिबल है कि सवालों के जवाब में एक तैयार किया हुआ झूठ जो सच बनकर सामने आए, लेकिन ब्रेन मैपिंग में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो तैयारी कर पाए। उसमें तो उनको फोटोग्राफ दिखाई जाएंगी और उनका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखा जाएगा, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या पता इस टेस्ट में वो दोनों डगमगा जाए। हाँ पॉसिबल है, लेकिन इस टेस्ट के लिए भी तो उनकी मंजूरी लेनी होगी। सर, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के वक्त दोनों काफी कॉन्फिडेंट थे, पर जाहिर है बच गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही होगा। शायद हाँ कर दें, पर उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस से हमें कोई लीड मिल जाए। चलो देखते हैं ये लोग इस टेस्ट के लिए तैयार होते हैं या नहीं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो अपराधी के दिमाग में छपी जानकारी की जांच करता है और उस जानकारी को बाहर लेकर आता है। कोई अपराधी अपनी बाहरी हरकतों से अपनी जुर्म की कहानी को ढकने या छिपाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में छपी उस वारदात को मिटा नहीं सकता। यह एक अपने ही तरीके की तकनीक है जिसमें वारदात की जानकारी को संदिग्ध के दिमाग में छपी जानकारी के साथ मिलाकर देखा जाता है। पर इस टेस्ट को संदिग्ध पर करने के लिए संदिग्ध की मंजूरी अनिवार्य होती है। सर, आप लोग तो मेरी जिंदगी में बेताल की तरह पीठ पर सवार हो गए। आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे रहा हूं तो आप तो पीठ से चिपक ही गए। इस बेताल से मुक्ति चाहते हो तो यह अच्छा मौका है तुम्हारे पास, क्योंकि इस टेस्ट के बाद ही केस बंद हो जाएगा और तुम पर और मनीषा पे सारा इल्जाम हमेशा के लिए खत्म हो। सर, आप ये बात मान क्यों नहीं लेते हैं कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है? मैंने हरीश से शादी क्या की, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी तुम्हारी नहीं, हरीश की बर्बाद हुई है मनीषा। 4 साल हो गए वो कहा है, उसकी कोई खबर नहीं है। रुपेश ने आपसे क्या कहा, वो तैयार है? क्यों, रुपेश के इशारों पर हाँ करोगी तुम? करूँ भी तो क्या दिक्कत है, आप लोगों ने तो वैसे भी हम दोनों का रिश्ता बना के रखा है 4 साल से, वो भी मुजरम का, बिना किसी वजह। ठीक है सर, एक बार मनीषा से बात करता हूँ फिर बताता हूँ। कैसे बात करोगे, उमेश के फोन पे या मनीषा के फोन? सर, आप जो चाहो पैतरा लगा लो, पर यही सच है कि मेरे और मनीषा के बीच में कुछ भी नहीं है, और हरीश को गायब करने या मारने में मेरा कोई हाथ नहीं। तो फिर तो तुम्हें ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा के लिए साबित हो जाएगा कि तुम्हारा इसमें कोई रोल नहीं। कैसी है? अच्छा। मम्मी पापा भी नाराज है तुमसे? हाँ, यही कहते रहते हैं कि क्या हरकत की है, कौन है उमेश और बड़ी सारी बातें। ये क्राइम ब्रांच वालों ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट को लेकर दिमाग खराब कर रखा है, बहुत परेशान किया हुआ। हाँ, मुझे भी। क्या कहती है, हाँ कर देना चाहिए? रुपेश, मुझे लगता है कि उन्हें ये भी कर लेने देते, कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी, और हमारा पीछा करना भी छोड़ते, और हमारा भी ये रोज की मुसीबत से ना पीछा छूट जाए। यही के लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बाद वो जितने कॉन्फिडेंट है, इस बार उनका कॉन्फिडेंस फीका पड़ता नजर आया मुझे। सर, मनीषा जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट से बाहर निकली तो पहली बार मैंने उसके चेहरे पे थोड़ी टेंशन देखी। रुपेश मनीषा से भी थोड़ा ज्यादा परेशान लगा। लगता है इस बार उनका ये गिल्ट
ये केस सॉल्व कर देगा। मनीषा, उन लोगों को कैसे पता चला? रुपेश, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला। नहीं, उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन लोगों को किसी भी हाल में कुछ पता चल ही नहीं सकता। कुछ पता नहीं चल सकता तो उन्होंने वो फोटो हमें क्यों दिखाया, जबकि ये तो मुझे भी नहीं पता था, तुमने मुझे बताया था। पर ये बात मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं बताई थी। रुपेश, कहीं मंजीत तो उनके हाथ नहीं लग गया? कहीं मंजीत ने तो? मनीषा, वो लोग मंजीत तक कैसे पहुंचेंगे? हो ही नहीं सकता। रुपेश, मुझे लगता है इस बार उन्हें पक्का कुछ मिला है, कुछ पता चला है। रुपेश, कुछ भी हो पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। इतना सब होने के बाद अब फिर चार साल बाद ये? मनीषा, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी मिला है। अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमें वो खोदी हुई जगह, वो खोदा हुआ गड्ढा क्यों दिखाया? हो सकता है उन्होंने वो फोटो वैसे ही हमें दिखा दी हो। रुपेश, तुम अब भी इतना शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि? मनीषा, टेंशन हो रही है पर मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है ये टेस्ट हम पर भारी पड़ने वाला है। ये वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं है, इस बार वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मनीषा, कुछ नहीं होगा, वो बस हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम ऐसे घबराओगी तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा। तुम शांत रहो बस, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ भाई। मंजीत, तेरे प्लॉट पे कोई गया था क्या? नहीं तो। तेरे दिहाड़ी वाले मजदूर की किसी से कोई बात हुई थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? किसी पुलिस वाले ने तुझसे पूछताछ की थी क्या? भाई, तू ठीक तो है ना? और तू इतने सालों के बाद घबरा क्यों रहा है, कुछ बताएगा मुझे? अभी तेरे को कुछ करना होगा। क्या क्या कुछ? क्या? चल। अरे रुपेश, करना क्या है बताएगा? मिसे ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। यहाँ नहीं छोड़ सकते मतलब? तेरा दिमाग तो ठीक है, है? करेगा क्या निकाल करके? निकाल कर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि उनके हाथ में कुछ भी ना लगे। अरे यार, पता नहीं तू क्या करना चाह रहा है। अरे यार, यहाँ कुछ नहीं आया, कोई खुदाई उदाई कुछ नहीं हुई है। जीत, फावड़ा उठा, खुदाई शुरू कर। जो भी बचा उसे निकाल के खत्म करना है। अरे कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा होगा। जो भी बचा है निकाल के खत्म करना है, उसे शुरू कर। अब क्या करना है इसका बता। एक काम करते हैं, इसकी हड्डियों को चूरा करके ना कहीं दूर फेंक के आते हैं। गाड़ी में चादर रखे, मैं लेकर आता और रुपेश, क्या खोद के निकाल? हमें भी तो दिखा। चल। अरे चल, क्या है? पकड़ो उसे। पंद्रह अप्रैल 2014 को हरीश और मनीषा ने कंचन के घर जाने के लिए रिक्शा लिया ही नहीं था, वो कंचन के घर पैदल गए थे। कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, यहाँ कैसे? भोपाल में? भोपाल में किसी काम से आया था, वापस जा रहा था तो तुम दोनों पर नजर पड़ी, सोचा मिलते ही चलूं। ठीक किया। कैसे हो मनीषा? ठीक। यार अच्छा हो तुम मिल गए। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अभी? हाँ यार, अभी मैं मनीषा को लेकर के कंचन दीदी के यहाँ छोड़ने जा रहा था और वहां से फिर काम पे भी जाना है। तो एक काम कर, तुम शाम को घर पे आ जाओ ना, बैठ के बातें करते हैं हम लोग। यार हरीश, बस आधे घंटे की बात है। एक्चुअली मैं भोपाल में एक नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। तुम तो यहीं के हो, सही आइडिया दे दोगे। चलो ना, और शाम को वापस जा रहा हूँ तो मिल नहीं पाऊंगा, चलते चलते बात कर लेंगे। कम मैं जाऊँ मनीषा? तुम अकेले चले जाओगे? अब मैं लौटते समय तुम्हें उठा लूंगा। चलो मनीषा, टाइम मिला तो शाम में मिलता हूँ। हाँ चल, बाय बाय। हाँ अरे अरे बैठ ना प्लीज। इधर प्लॉट खरीद के क्या करोगे?
भोपाल शिफ्ट होने का प्लान है क्या? ऐसे ही सोच रहा हूँ, पर एक बार तुम प्लॉट देख लो, उसके बाद बताने के लेना चाहिए कि नहीं। बलराम जी, हमें एक कंकाल मिला है, वो हरीश का ही है। ये कंफर्म करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करना पड़ा। रुपेश ने यहां भोपाल में हरीश को मार दिया था। जबलपुर के पास रुपेश के एक दोस्त मंजीत का प्लॉट है। मारने के बाद वो लोग हरीश की बॉडी को वहां ले गए और उस ओपन प्लॉट में दफना दिया। क्यों? क्यों किया मनीषा ने ऐसा? क्योंकि मुझे रुपेश से शादी करनी थी, और अगर ये बात मैं अपने घर में बताती तो मेरे घर वाले शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते। कैसे पता तैयार नहीं होते? तुमने तो अपने अफेयर के बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं। मुझे लगा था वो मना कर देंगे। तुम्हें लगा मगर पूछा नहीं। तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम एक शरीफ आदमी के साथ शादी कर लोगी, उसे मार दोगी और फिर बड़े आराम से रुपेश के साथ दूसरी शादी कर लोगी, आराम से जिंदगी जी लोगी, ये कैसे लगा तुम्हें? ऐसा हो नहीं पाया, मुझे लगा था ऐसा ही होगा। सर ये बात करने के लायक नहीं, शक्ल देख लो इसकी। धुप मारना है मार लो, जितना मारना है मार लो। ये उमेश कौन है? ये क्या नाटक था? रुपेश का नाटक था, क्योंकि ऐसे तो हमारी शादी होने से रही तो हमें ये एक और नाटक करना पड़ा। रुपेश अब क्या प्रॉब्लम है? भाग चलते हैं ना, भाग चलते हैं यहाँ से। वैसे भी हरीश को रास्ते से हटाने के बाद हम वो लाइ डिटेक्टर टेस्ट से भी बच गए, और अब तो 2 साल हो चुके हैं, कोई ढूंढ भी नहीं रहा होगा उसे। अनिशा भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, पहले बारी पुलिस टीम ने तो केस ही बंद कर दिया था, वो लोग मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं पाए थे, लेकिन इस बार तो क्या ये सब करने के बाद हम अभी भी दोस्त होने का नाटक करते रहेंगे? शायद इतना सब्र किया थोड़ा और से, अगर क्राइम ब्रांच वालों ने हमें ऐसे चुमड़ी में नहीं पकड़ा होता ना तो और बात है। अब हम भागेंगे या तो अपने घर पे मुझसे शादी के लिए बात करोगे ना तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। लिख कर देता हूँ कुछ ना कुछ जरूर खोद निकालेंगे। अभी तक तो वो लोग मंजीत तक पहुँचे नहीं हैं, अगर थोड़ा और ढूंढेंगे ना तो उस तक भी पहुँच जाएंगे। तो क्या अब हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा? इसलिए हमने ये सब किया था। मंजीत उमेश को जानता था, वही उसे लेकर आया था। मतलब उमेश का रोल सिर्फ शादी करके डिवोर्स देने तक का था? जी, उमेश मनीषा को डाइवोर्स देता, मनीषा वापस अपने घर चली जाती, और कुछ टाइम बाद मैं मनीषा की फैमिली से हमारी शादी की बात करता। मतलब यही सब कुछ तुमने हरीश के केस में भी सोचा था? तुम हरीश को मार दोगे, मनीषा अपने घर चली जाएगी, सबको यही लगेगा कि हरीश मनीषा के साथ शादी करके खुश नहीं था इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, और फिर तुम इसकी फैमिली से अपनी शादी की बात करोगे, यही प्लान था ना? जी हाँ। तुम अपना फोन जबलपुर में छोड़कर आए थे, फिर 15 अप्रैल को इतनी सफाई से प्लानिंग कैसे की कि ये लोग कितने बजे कंचन के घर जाएंगे और तुम इनसे रस्ते में टकराओगे? फोन से मैंने मनीषा को फोन लेकर दिया था जिसके बारे में और कोई नहीं जानता था। वो फोन कहाँ है? वो फोन तो मैंने कब का तोड़ के फेंक दिया। उसका नंबर तो होगा, या उसे याद दिलाने के लिए तुझे तोड़ू? नंबर मेरे पास है। कब से चल रहा था तुम दोनों का अफेयर? मनीषा की शादी के 1 साल पहले से। मतलब हरीश के साथ शादी, उसका मर्डर, उसे दफनाना, उमेश का आना, ये सारी प्लानिंग किसकी थी? मनीषा तुम्हारी या रुपेश तुम्हारी? दोनों की थी, ये सब हमने मिलकर किया है। सर, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। क्या आया रिपोर्ट में? फिर से दोनों निर्दोष साबित हुए? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक इस जुर्म में दोनों शामिल। 4 साल बाद हरीश के परिवार और इस केस को क्लोजर मिला, जो बेशक एक दुखद अंत था जिसका उन्हें अंदेशा पहले ही हो चुका था, पर फिर भी जानना जरूरी था कि आखिर हरीश के साथ क्या और क्यों हुआ था। रुपेश की मां को मनीषा और रुपेश के प्रेम संबंध और उन्होंने साथ में रहने के लिए जो भयानक जुर्म किए थे उसकी जानकारी ने बेहद सदमा पहुंचाया था। मनीषा के परिवार के लिए भी इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि उनकी बेटी अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक जा सकती है। ना अच्छा शरीफ आदमी था हरीश, मनीषा ने क्या कर दिया? मनीषा चौहान पर कत्ल के लिए आईपीसी की धारा 302 और कत्ल की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मनीषा के साथ साथ रुपेश तिवारी और मंजीत धैया पर भी
इन्हीं धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। क्राइम नेवर पेज, ये बात एक बार फिर से साबित हुई। और मनीषा और रुपेश की अभेद साजिश के बावजूद, उनके अपने कड़े रुख से टस से मस ना होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। और आखिरकार 4 साल बाद उनका झूठ सामने आ ही गया। सच को छुपाना, झूठ का नकाब लगाए रखना, ये सारी चीजें एक दिमागी रूप से कमजोर, गलत इरादे वाले असुरक्षित इंसान का सहारा होती हैं। पर ये नकाब ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और इससे कुछ हासिल नहीं होता। और एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे कोई इंसान अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए अपना घर बसाने की उम्मीद रख सकता है, जबकि उसके इस प्यार, उसके इस घर की नींव किसी मासूम की लाश पर टिकी हुई हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।